जगह में ऊपर क्या रहेगा अब छह ही सही फ्रीजर देखू नहीं फिर ले लिए 20 रुपये दो बोतल बन सी भैया ने एडिया में आंता जानता एक पैकेट और लिया ये बोतल ले पकड़ मेरे तो मोबाइल ले लूँ ही ले आई मेरे देड़ नहीं मुझसे को नहीं एक बोतल ले ली पानी जो तो फिर क्यों काम की किसी बाबा बस नहीं मिलेगी अठाऊ साधन मिलना मुश्किल हो जाए तारा फिर बस नहीं मिलेगी तो मुश्किल हो जाएगी सामान तो गाली में ब्लूटूथ रह गया ईयरफोन दिन में आज ईयरफोन ले प्रमोद आप कुछ प्रमोद को मेरे पर्स में देते हो आवे भी दिन तो यहाँ लगा जामे आवे फिर जामे भी दिन पता भी कौन चले टाइम जाता पीस दियो गणा ये भी तो गाल दियो कुछ लेट हो फिर प्रमोदे रोमपति सा लग रही थी गाल दे मम्मी गणो ये तो लेट हुआ फिर इतना मैंने क्या मैं कौन दे तो बैग में गाल लिया वो पड़े हैं खिन्ने थोड़ी गे हाँ है देरो कौन के क्या है खुला ही कौन पर्स में पैसा खुला ही नहीं खुला नहीं तो ले जा दूंगे 500-400 ना 100 तो ले जा ले अरे कौन लेना मन ये जमा खाली तो के जाऊंगा कल अरे कौन लेना गेलम चीज खा लिए एक चिप्स को पैकेट पड़े वो खा लूंगी नहीं मिल रहे 15-20 मिनट अटिक लिए नहीं मिले तो फोन कर दीजिए चाचो से आ जाऊंगा और तो फेंक रहा फिर मैं कर दूंगी चाचो से अजी छोड़ दूंगा ना के फिर दारा तो फिर दारा दे दे जाएंगे पता हां शिनी तो रखो बेटा तो आप काम में डाल ले बेटा ओए नीचे हो जा नहीं है नीचे हो ठीक है रहा नीचे हो जा नहीं मेरा कंफर्ट वाला नहीं करता कहां बात दो मिनट प्रमोद ओए छोरा तन शर्म को नहीं थोड़ा बहुत नीचे हो जा नीचे के
चरण है माँ बाप का। ठीक है बाय। मम्मी को फेरी पका को लग गया बेकार होता है। दिखाया हूं ज्यादा। अच्छा दिखाऊंगी और फोन रह जा तो और कार्ड जी को रे पछो मार। हां मेरे कार्ड जरूरी राय लेती है मुझे। ल पकड़ तेरे कार्ड जी। अरे फोन के फोन कर दे लोग गाड़ी मिल जाए कर दिए समझो ने। कोई साधन नहीं मिला तो बता दी भैया फोन कर लिया टेम्पो 100 रुपया ले गो। ईयरफोन गाल दिया तेरे साइड वाले बैग में। हाँ नहीं बीम गाल दिया छोटे से जेन में। हाँ पानी नहीं पीऊँ आन तो ने गुगा मेरी कुंभ बहुत फाँग पड़ा। बाबे ही तो मार के तो हाँ इसलिए सुन चट रही है तेरे कदी मेरे लोग गाल की चल जान। प्रमोद तोली बन ले प्रमोद स्टोल ले जा भैया पकड़। बैठाऊंगी मैं ले लूँ मेरे कन है दूसरो देखी लू देख चीख जोर की चाल है। ऊपर तो कौन चढ़ के जाऊंगा पर फेरी लू तो लग गई। आवे तो तू यहां है आवे आवे जान सकते मेरे कौन पटाला 4 दिन रह के गए ये कौन लगे 4 दिन रह गए। अब तो बना दे मम्मी चाय। वो तार गाल के, वो पापा भी चाकी मत बैठा रहे करो महीने कद कौन बैठे रहो पर आधी घंटा बैठे जो थन के पापा बारे बैठ जाओगे पंखो लगा लो बिना चालू करके आके बारे बैठ जाए करो। मैं तो खा ली गर्म तो कौन से की मैं तो ठंडी खाई गर्म कौन खाई मैं तो ठंडी खाई। मेरे पापा काम देखो थे बाहर फोन करेंगे गोले त्याग दो। टाइम क्यों रहा 10 बज रहे हैं मैं वहाँ बैठी बैठ के मैंने बातन लग गई मैं मेरी दवाई ले लगी पापा फोन करो गठों बोल लोग मेरे कमरे में गोली पड़ी पहले आगे एलो भी कौन मारे हो आगे कहे भी कौन मैंने गोली दी मेरी एक टाइम की गुंड तो आगे एक तो बदनी फट गई थी गिरती ना ते अरे दादा ठीक है तो ये कौन से जी कर ना वीडियो कई बात हुई बात तो कहीं को नहीं हुई मैं बेटी बात लाग रही थी पापा ना उड़ी होनी जुदे मम्मी कर लिया तारा फोन की को आयो मेरे बापू जी को है। तेने फोन करा तो और कौन उठाएंगे 10-15 मिनट डनर पत्थर फोन आगे भूल के लिया रखी लिया एपड़ी तेरी चप्पल खेसला खेसला लिए तू क्या करना अब हेलो जी राम राम बेचारा ने सुबह की राम राम। और मेरे पापा जा रहे हैं दोबारा हॉस्पिटल में ग्लूकोज लगवाने तो थाने बतावांगा क्या हुए पापा के क्या दिक्कत हुई पापा पूरा ही हो आज हो चुक लाए डॉक्टर
तो जा रहे हैं तो पापा ने पूछ लियो के हो के बताओ डॉक्टर और के चीज़ को ध्यान रखना है कह मरना को ध्यान रखना कर भी थन के बताओ डॉक्टर डॉक्टर कह मरना ही नहीं करा पापा तो करें बावली बात है मैं बताऊँगी पापा ले अच्छा नहीं तावड़ा के मायने और गर्मी होगी गर्मी हो गैस बन गयो हाँ गर्मी के मायने आके चटनी रोटी खा ली चटनी बनाई थी और छाछ राबड़ी क्यों गैस बन गयो गैस बन गई बीपी लो होगी बीपी लो होना हार्ट पर जोर पड़ा सांस आना बंद हो जाए बात तो सही कहेंगे मैंने को ध्यान रखना है तो गर्मी बहुत ज़्यादा भाई ध्यान रखे उस जगह तो मेरे पापा ने मैं सुबह सुबह सूँ पर बिल्कुल जू सरसों क्यों प्यावा फिर भी आ कंडीशन है गर्मी ध्यान रखियो काल गुल कोल चढ़वा गया रहा वजन चढ़वा गया हूँ तैयारी करे तो शाबाश अब जाए तो ठीक है पर काल को सुधार है बोलो सुधार हो गया नहीं तो हालत ख़राब हो रही भाई काली तरह तो यहाँ हो रही है सांस को नहीं मन तो इन्ना बैठ जा रही इन्ना उठ जा रहा तो कुल मिला के बात आया कि गर्मी का मैंने ध्यान रखो मैं कदाई पिछली बार आई 15 दिन तो 4-5 दिन अब हो गया मैं आधी किलो सौंफ पी गया 9-10 किलो बील को जूस पी लियो बाद में भी सारा क्या कंडीशन है गर्मी अलग है बहुत भयंकर गर्मी है और जब मैं फ्रीज की कोई चीज़ कौन खावा मैं क्योंकि फ्रीज की चीज़ें खाएँ फ्रीज में रख के कुछ भी चाहे छाछ राबड़ी पियो पानी पियो दूध पियो कुछ भी गर्म करे फिर तासीर गर्म रहे मेरी तो मैं फ्रीज की कोई भी चीज़ कौन खाऊँ सिर्फ फ्रीज में फ्रूट और सब्ज़ी रखा ताकि वह ख़राब नहीं हो और फ्रूट भी कुछ जैसे तरबूज वगैरह खावा तो पहले बारे रख दें घंटा भर पहले भी बाद में वो नॉर्मल हो जाए जब खावा तो भाई गर्मी की कंडीशन ख़राब है गर्मी की वजह पापा गया डॉक्टर भी आई गई सौंफ पिलाओ पर सौंफ तो मैं पिछली बार आई जब भी आधी किलो सौंफ और बादाम आधी किलो भाई पिया आपकी बार आधी किलो सौंफ आधी किलो बादाम फिर लेके आई तो अब आता है अब मैं भी कर लूँ थोड़ा काम फिर इतना पहले भी देखो टाइम क्यों है 7:10 हुई हैं और गर्मी इतनी भयंकर है मेरी कंडीशन में भी ध्यान पता चल तो अम्ब गाल ही गल तो बारे माचो समझ आई मेरू मटको रख दिया मैं अंदर क्योंकि वो एक मटको मार कमरे में रहा है कोई भी आ जाओ बाई चांस मैं अंदर हूँ और कमरे में कोई आदमी आ जाओ तो पानी होना चाहिए बैठक में ये बोल धूप बहुत हो भाई गर्मी वास्तव में बहुत भयंकर है तो जल्दी जल्दी काम करके और कूलर चला लेना सही रहे लाइट भी बहुत कम रहा है लाइट फिलहाल तो होगी भी कौन शायद और होवे तो बहुत डिम लाइट रहे लाइट तो है तो सही आज तो और पापा गया मोटर चलाई पर कूलर कौन भरियो तो आके ही भरेंगा या फिर मेरी मम्मी भरेगी मेरे तो कौन बस की बात मैं तो बस सब्जी बनाऊंगी फिर नहा के कूलर गा के बस इतो काम करूँ सब्जी समावा क्यों की बनावा समझ को नहीं आ रही सब्जी में तो केरी है कद्दू है बेसन कौन पीसी डो नहीं तो कढ़ी बनाऊँ आज तो बहुत दिन हो गया कढ़ी खाना मन खानी पड़े बाजरी की रोटी